हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके 7 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स, 7 मार्च को जरूर आएगा। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ए ऑप्शन दिया 1848, बी ऑप्शन दिया 1817, सी ऑप्शन दिया 1789, डी ऑप्शन दिया 1615। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका हुआ था 1789, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि जीयूसीपी मैथसनी का संबंध था, तो ए ऑप्शन दिया इटली के एकीकरण से, बी ऑप्शन दिया जर्मनी के एकीकरण से, सी ऑप्शन दिया इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, डी ऑप्शन दिया फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण से। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया विनोबा भावे, डी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपका है महात्मा गांधी, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर फोर। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो ए ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद, सी ऑप्शन दिया ज्योतिबा फुले, और डी ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर फोर दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर पाँचवा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर पाँचवा दिया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका ए ऑप्शन दिया है मेटरनिक का, बी ऑप्शन दिया नेपोलियन, सी ऑप्शन दिया लुई फिलिप, और डी ऑप्शन दिया चर्चिल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पांचवा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक का, यानी जो आपका मेटरनिक है उसने बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये मेटरनिक का एक कथन है। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर सिक्स। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर सिक्स दिया है कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या है, तो ए ऑप्शन दिया 27, बी ऑप्शन दिया 28, सी ऑप्शन दिया 29, डी ऑप्शन दिया 30। तो संघीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपका है 28, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर सातवां। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ए ऑप्शन दिया भारत, सी ऑप्शन दिया यूएसए, और देखिए फ्रेंड बी ऑप्शन दिया यूएसए, सी ऑप्शन दिया ग्रेट ब्रिटेन, डी ऑप्शन दिया है रूस। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका सातवां दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा भारत, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो आपका कौन सा है, भारत है। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर आठ। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर आठ दिया है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं, तो ए ऑप्शन दिया 21, बी ऑप्शन दिया 22, सी ऑप्शन दिया 18, डी ऑप्शन दिया 15। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर आठवां दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 22 है, यानी कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल भाषाएँ कितनी है, 22 हैं। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर नौ। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर नौ दिया है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, तो ए ऑप्शन दिया जनता, बी ऑप्शन दिया संसद, सी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन दिया राष्ट्रपति। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका नौवा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता, यानी कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन सा है, आपका जनता है। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर दस। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था, तो ए ऑप्शन दिया बेल्जियम, बी ऑप्शन दिया भारत, सी ऑप्शन दिया यूगोस्लाविया, डी ऑप्शन दिया नीदरलैंड। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दसवां दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा भारत, यानी कि जो आपका भारत है, इसका जो विभाजन है धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर ग्यारह। देखिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर ग्यारह दिया है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ए ऑप्शन दिया औसत आय, बी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय आय, और सी ऑप्शन दिया व्यक्तिगत आय, और यहाँ से डी ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका ग्यारह दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय, यानी जो आपका प्रति व्यक्ति आय को हम अन्य नाम से जानते हैं उसका नाम होता है औसत आय। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर बारह। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर बारह दिया है कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ए ऑप्शन दिया प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन दिया खनन क्षेत्र, सी ऑप्शन दिया औद्योगिक क्षेत्र, डी ऑप्शन दिया कृषि क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 12 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स विनिर्माण क्षेत्र, क्योंकि विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जैसे मैं मान लीजिए गन्ना होता है, गन्ना
गन्ने से हम क्या उत्पादन करते हैं, चीनी का। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रक यानी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर तेरह दिया है कि सीमाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये ऑप्शन दिया तृतीयक क्षेत्रक, बी ऑप्शन दिया प्राथमिक क्षेत्रक, और सी ऑप्शन दिया द्वितीयक क्षेत्रक, डी ऑप्शन दिया सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तेरह दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर चौदह दिया है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किसके द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन दिया सड़क मार्ग से, बी ऑप्शन दिया समुद्री मार्ग से, सी ऑप्शन दिया रेल मार्ग से, डी ऑप्शन दिया वायु मार्ग से। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 14 दिया है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग से द्वारा होता है, यानी कि सी के द्वारा जो आपका होता है भारत का अधिकांश जो आपका व्यापार होता है यानी कि वो आपका समुद्र के द्वारा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर पंद्रह दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन दिया 5 अप्रैल, बी ऑप्शन दिया 22 फरवरी, सी ऑप्शन दिया 24 नवंबर, डी ऑप्शन दिया 24 दिसंबर। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 15 दिया है, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 16 दिया है कि इनमें से किस राज्य संघ, यहाँ पर राज्य या संघ क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। ये ऑप्शन दिया जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन दिया राजस्थान, सी ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, डी ऑप्शन दिया झारखंड। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 16 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 दिया है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो ये ऑप्शन दिया ओजोन क्षरण से, बी ऑप्शन दिया वैश्विक तापन से, सी ऑप्शन दिया जलवायु परिवर्तन से, डी ऑप्शन दिया सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 17 दिया है, इसका देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वैश्विक तापन से। किसका, यहाँ से देखिए फ्रेंड बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वैश्विक तापन से। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 18 दिया है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ये ऑप्शन दिया 2013, बी ऑप्शन दिया 2012, सी ऑप्शन दिया 2014, डी ऑप्शन दिया 2011। तो देखिए फ्रेंड जो आपका यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन जो आपका है वो आपका कब आरंभ किया गया था, तो आपका यानी कि 2014 में, यानी कि फरवरी 2014 में किया गया था। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन दिया धान, बी ऑप्शन दिया गेहूं, सी ऑप्शन दिया चना, डी ऑप्शन दिया तरबूज। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 19 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 20, तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 20 दिया है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। तो ये ऑप्शन दिया फास्फेट, बी ऑप्शन दिया नमक, सी ऑप्शन दिया जस्ता, डी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 20 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके 7 मार्च को जरूर आएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसा ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।